संजय दत्त की बायोपिक में उनकी भूमिका रणबीर कपूर निभा रहे हैं। इसमें संजय दत्त के करीबी दोस्त और उनके परिचित भी प्रमुखता से नजर आएंगे। इसमें से एक सलमान खान भी हैं। फिल्म के लिए उस एक्टर का नाम तय बताया जा रहा है जो सलमान खान की भूमिका निभाएगा। इस रोल के लिए जिम सरफ का नाम आगे है। वे पद्मावत में गेका और नीरजा में आतंकी का किरदार निभा चुके हैं। अब वे सलमान के रोल में दिखेंगे। बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त एक समय में बेहद करीबी दोस्त थे। बाद में दोनों में खटास आ गई। इसकी वजह बताई गई, जबकि संजय जेल से रिहा हुए तो सलमान उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से एक लीडिंग डेली ने बताया है, ये बायोपिक कुछ हद तक संजू और सलमान की फ्रेंडशिप पर भी केंद्रित रहेगी। 90 के दशक में ये जोड़ी हिट चर्चा में रहती थी। फिल्म मेकर्स के अनुसार जिम सरफ इस रोल के लिए परफेक्ट माने जा रहे हैं। जिम ने पद्मावत और नीरजा में जो अदाकारी की है उसकी काफी तारीफ हुई है। संजय दत्त की बायोपिक पर बन रही फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में है। सोनम कपूर, दिया मिर्जा, मनीषा कोयराला भी अहम भूमिका में है। बायोपिक को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी फिल्म का टाइटल कन्फर्म नहीं हुआ है। संजू और दत्त जैसे नाम सामने आए हैं, लेकिन इन पर अभी मोहर लगनी बाकी है। ये फिल्म 29 जून को रिलीज होगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।